Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على الصراط المستقيم سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين خاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران عزیز قرآن حکیم کا یوں تو ہر سورہ اپنی جگہ پر ایک مکمل شان اعجاز رکھتا ہے لیکن جس طریقے سے رب اکبر نے بعض نبیوں کو اپنے بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے اسی طرح اس کی بعض آیتوں پہ کو بعض آیتوں پہ فضیلت حاصل ہے بعض سوروں کو بعض سوروں پہ فضیلت حاصل ہے سورہ مبارکہ کوثر اتنا جامع سورہ ہے کہ اس سورہ پر بھی گفتگو کا حق ادا نہیں ہو سکتا ان مجالس کے لیے میرے ذہن میں کچھ اور عنوان تھا کوئی اور آیت میرے پیش نظر تھی مگر لاہور آنے کے بعد میرے ایک عزیز خاطر نے فرمائش کی کہ سورہ مبارکہ کوثر کو عنوان قرار دیا جائے پہلے مجھے تامل تھا اس لیے کہ دوسرے بعض مقامات پر میں نے اس سورہ مبارکہ پہ کچھ گفتگو کی ہے لیکن میں نے جو کچھ بھی معروضات پیش کیے وہ میرے تھے یہ سورہ قرآن کا ہے میرے معروضات کی محدودیت اپنی جگہ قرآن مجید کے سوروں کی بے پناہ کیفیت اپنی جگہ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ مبارکہ حمد کے بعد
सबसे जामे सूरा सूरह कौसर है, सूरह मुबारक हम्द के बाद। सूरह मुबारक हम्द की फजीलत अपनी जगह। सूरह मुबारक हम्द पूरा कुरान एक तरफ, सूरह मुबारक हम्द एक तरफ। खुद रब अकबर ने सूरह मुबारक हम्द की जो तौसीफ और तारीफ बयान की है वो इसी अंदाज से कि कुरान मजीद एक तरफ और सूरह मुबारक हम्द एक तरफ। इसलिए सूरह मुबारक हम्द की मानवियत, उसकी फजीलत, उसका मरतबा वो अपनी जगह महफूज है। कुरान मजीद का कोई दूसरा सूरा और कोई दूसरी आयत सूरह मुबारक हम्द के बराबर नहीं हो सकती। लेकिन सूरह मुबारक हम्द के बाद अगर किसी एक मुकम्मल सूरे को जामियत के एतबार से पेश किया जा सकता है तो वो सूरह मुबारक कौसर है। ये मारूज़ा मैं क्यों पेश कर रहा हूँ, अभी चंद बातें अर्ज़ करूँगा, आप ख़ुद इसकी तस्दीक फरमाएंगे। सबसे पहली बात तो ये ज़हन आली में रहे कि क़ुरान मजीद में एक शान एजाज़ ये है कि बहुत से अल्फाज जो मुकर्रर बज़ाहिर नज़र आते हैं वो भी फिल वाक़े मुकर्रर नहीं होते हैं। बज़ाहिर जो अल्फाज, बज़ाहिर जो आयतें मुकर्रर नज़र आती हैं, यानी ऐसा मालूम होता है कि पहले भी यह लफ्ज़ इस्तेमाल हो चुका है, फिर दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, पहले यह आयत आ चुकी है, दोबारा यह आयत आ रही है। बज़ाहिर वो मुकर्रर हैं, बबातिन मुकर्रर नहीं है, फिल वाक़े मुकर्रर नहीं है। इसलिए मुकर्रर नहीं है, ये जुमला मेरा आपके अजहान आलिया में महफूज होगा, बराबर कहता रहा हूँ और हमेशा कहता रहूँगा। ये कलाम उसका है कि जिसके यहाँ तजल्ली में तकरार नहीं है। परवरदिगार आलम खलाक है, गनी अलल इतलाक है, कादिर है, आलिम है, वो जितने अल्फाज चाहे खल्क करवा लें, वो एक लफ्ज़ में जितने मानी चाहे समो दे। ये जो मुकर्रर अल्फाज बज़ाहिर इस्तेमाल होते हैं ये उसकी कुदरत सुखन की नस्बत से मुकर्रर नहीं हुए, हमारी फहम के एतबार से मुकर्रर हुए। इंसानी ज़हन, इंसानी फहम, इंसानी दायरे इदराक, इंसानी दायरे इफ़हाम व तफ़हीम, इंसानी दायरे इराब व तअबीर, ये मुख्तलिफ है। वरना परवरदिगार आलम के यहाँ तो न ज़बान की तख्लीक में उसकी कुदरत आजिज़ है, न अल्फाज की तख्लीक में उसकी कुदरत आजिज़ है, न तअबीरात की तख्लीक में उसकी कुदरत आजिज़ है। तो ये जो मुकर्रर कहीं ताबीर है वो हमारी वजह से है कि हम अगर किसी एक कालिब बयान से मानूस हो गए हैं, हम अगर किसी एक कालिब बयान से मानूस हो गए हैं तो परवरदिगार हमारे उनसे ज़हनी के बिना पर उसी कालिब को बार बार इस्तेमाल फरमाता है कि ये इंसान ये कहीं वहशी न बन जाए। हमारे उन्स की रियायत इसलिए की गई कि हम वहशी न बन जाएं। उन्स के मुकाबले में वहशत ही है। तो जो मुकर्रर अल्फाज हैं वो हमारे लिहाज से हैं, मगर खुद रब अकबर के एतबार से कोई चीज़ मुकर्रर नहीं है। यहाँ तक के खुद लफ्ज, खुद कलमे मुबारक रहमत यानी आय रहमत यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी कुरान मजीद में मुकर्रर नहीं है। अगर कुरान मजीद में 114 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की आयत आई है तो 114 मानी में आई है, एक मानी में नहीं आई है। आ, 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 आ,
ये बात जहन में रहे। और फिर देखिए कि जो तर्जमे अवेलेबल हैं बाजारों में, उन तर्जमों में कितनी गहराई है, उन तर्जमों में कितनी बुलंदी है। क्या जो तर्जमे हमारे पास हैं वो तर्जमे इस तरह के हैं कि 114 तरीक़े से बिस्मिल्लाह का तर्जमा किया गया हो। अब यहाँ पर ज़ाहिर है आप हज़रात हमारे उसलूब बयान को बर्दाश्त करते करते बरसों हो गए, तो जहाँ हम कुछ थोड़ी सी अरबी ग्रामर की बहस छेड़ देते हैं या थोड़ी सी मंतक की बहस छेड़ देते हैं उसको भी आप बर्दाश्त करते आए हैं, इस वक्त भी थोड़ी सी बर्दाश्त कर लीजिए ताकि मैं कम से कम वजाहत कर सकूँ कि ये वो कलीद क्या है जिससे ये कुफ्ल अबजद खुल सकता है। कोई कलीद तो होगी जिससे ये कुफ्ल अबजद खुलेगा, कोई कलीद तो होगी जिससे ये जहान मानी का दर खुलेगा। वो कलीद ज़ाहरी तौर पर अरबी लुगत के एतबार से, अरबी नहव के एतबार से, अरबी ग्रामर और कवायद के एतबार से अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए कहीं पर भी जब जार व मजरूर या ज़र्फ़ आता है तो ये जार व मजरूर या ज़र्फ़ ये मुतअल्लिक चाहता है। ज़रा सी बात है, बच्चे बूढ़े जवान मर्द औरत सब की समझ में आ जाएगी बात। जार व मजरूर किसे कहते हैं? अरबी में हरूफ जार रहा है, आपकी उर्दू में भी हरूफ जार रहा है। आपकी चूँकि उर्दू मादरी ज़बान है तो आप उर्दू ग्रामर पढ़ने की ज़हमत नहीं फरमाते, वरना उर्दू में भी इस्म है, फ़ेल है, हर्फ है, मुब्तदा है, ख़बर है, उर्दू में भी नहव है, सर्फ है, ग्रामर है, सब कुछ है उर्दू में भी। कुछ होते हैं इस्म यानी नाम, कुछ होते हैं फ़ेल यानी काम। वर्ब अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़ेल को और नाउन कहते हैं इस्म को। कुछ आर्टिकल्स होते हैं, अलबत्ता उनकी भी किस्में हैं। ये आर्टिकल्स या अदात या हरूफ ये इस्म को इस्म से जोड़ते हैं या इस्म को फ़ेल से जोड़ते हैं या एक जुमले को दूसरे जुमले से जोड़ते हैं। तो ये जोड़ते ही हैं ना, इनके अंदर मुस्तकिल मानी नहीं होते। मसलन से पर को तक ने, इन अल्फाज के क्या मानी है? मुस्तकिल कोई मानी नहीं है। से तक हम कहें इसके क्या मानी होंगे? से तक के कुछ नहीं। कराची से लाहौर तक जब जुमला कहा तो अब से के मानी भी समझ में आए, तक के मानी भी समझ में आए, लेकिन जब तक कराची और लाहौर ना आए तो ना से के मानी समझ में आएंगे न तक के मानी समझ में आएंगे। वाज़े है? अच्छा, अगर एक इस्म भी जोड़ दीजिए, फर्ज कीजिए एक इस्म है मेंबर और उस पर आप पर जोड़ दीजिए, मेंबर पर आगे कुछ ना लिखिए, मानी पूरे होंगे? ये लफ्ज़ पर के मानी समझ में नहीं आएंगे। जब तक कि ये समझ में नहीं आए कि मेंबर पर कोई जाकिर है, मेंबर पर कोई मरसिया खां है, मेंबर पर रहल है, मिंबर पर कुरान है, कोई चीज़ जब तक ना आए उस वक्त तक बात पूरी नहीं होगी। इस ये कायदा हर ज़बान में इसी तरह इंतबाक हो सकता है, इसका अरबी ज़बान में भी यही कायदा है कि हरूफ जार रहा ये अपने मजरूर के साथ कोई पूरे मानी बयान नहीं कर सकते, वो ज़र्फ़ या जार व मजरूर मुतअल्लिक़ के मोहताज रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें कोई फ़ेल नहीं है, अर्रहीम इस्म है, थोड़ी देर के लिए अर्रहमान इस्म है, अल्लाह इस्म है, इस्म खुद इस्म है, शुरू में क्या है? एक बेहरफ जर।
अरबी दान अरबी नहों का मजमा होता तो दूसरे अंदाज से मिसाल देता, लेकिन अब तो समझ में आ गई बात। बे हर्फ जर है, बे का तर्जमा से कर सकते हैं से। उसके बाद है इस्म, बिस्म, बे इस्म। इस्म और बे मिलके क्या हुआ? जारो मजरूर। ये इस्म के बाद अल्लाह है, इस्म मुजाफ है, अल्लाह मुजाफ है। फिर अर्रहमान है, अर्रहीम है, जो जानशीन अल्लाह का है, वाजे है। ये पूरा जुमला कोई मानी नहीं दे सकता जब तक के बिस्म से पहले कोई फ़िल वाजह तौर पर जोड़ा ना जाए। अब ये एक ऐसी कलीद है कि क्या तमाम सूरों में एक ही फ़िल जोड़ा जाएगा या हर सूरे में उस सूरे के मजमून के मुताबिक तलाश किया जाएगा कि यहां बिस्म से मुताल्लिक फ़ेल कौन सा है। मसलन अल्हम्द के बिस्मिल्लाह में अस्तईनो है, अस्तईनो में मदद हासिल करता हूं अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। दलील क्या है? खुद सूरे में मौजूद, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन दाखिली शाहिद है कि यहाँ बिस्मिल्लाह से पहले जो इस्म है, जो मुतअल्लिक है, वो अस्तईनो है या नस्तईनो है। गौर फरमाया आपने। अब इसी तरीके से तमाम सूरों में तलाश करना पड़ेगा कि उस सूरे के मजमून के ताल्लुक से ये बिस्म का मुताल्लक क्या है। तर्जमा बदलता चला जाएगा। ये जाहिरी एक जहत है, और आप जानते हैं कि जबान के अंदर जो मानवीयत की तहें होती हैं वो सिर्फ नहो के जरिए से नहीं खुलती। तो मैंने नहो का एक मामूली सा मसला बयान किया। जबान की तहें कितने उलूम अदब हैं, लुगत व सर्फ व इश्तिकाक व नहव व मानी व बयान व बदीर, ये तो चंद मशहूर उलूम हैं। इनमें तह दर तह कितने असालीब हैं। हर उसलूब का अपना एक निज़ाम है, हर उसलूब में तायीन मानी, ताबीर मानी, तफहीम मानी, कश्फ मानी के अपने तरीक़े हैं। यहाँ से ज़बान में तहदारी पैदा होती है। ये एक जहत थी जो मैंने गुजारिश की बिस्मिल्लाह की मानवियत को कश्फ करने के लिए, वरना जितना आप असालीब ज़बान में डूबते चले जाएंगे उतने मानी की परतों को कश्फ करने की सलाहियत पैदा होती चली जाएगी। इसी जहत से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान इसे मामूली न समझो। ये कुरान वो है कि ज़ाहिरहु अनीक, ये कुरान इसका ज़ाहिर बहुत ही दिलकश है, जाज़िब नज़र है। व बातिनहु अमीक, और इसका बातिन गहरा है, और इसके बुतून के बुतून हैं, बुतून के बुतून हैं, बुतून के बुतून हैं, यहाँ तक के 70 बुतून हैं। तवज्जो है, यानी कुरान मजीद की हर आयत का तर्जमा कम से कम 70 तरीके से किया जा सकता है। बकौल पैगंबर। अब जितने तर्जमे बाजारों में हैं देखिए कितना तफावत है उसमें। है ये गहराई तर्जुमों में? नहीं है ना। जब तक तर्जुमों में गहराई नहीं आएगी हमारी फिक्र में बुलंदी कहाँ से आएगी? जब तक तर्जुमों में गहराई नहीं आएगी हमारी उम्के जाम नूर कहाँ से आएगा? जब तक कुरान मजीद के मानी पूरी तरह कश्फ नहीं होंगे उस वक्त तक जहन व ज़मीर इंसानी की गहराइयाँ और बुलंदियाँ मुनव्वर कैसे होंगी? उस वक्त तक किसी मुकम्मल तर्जमे की ज़रूरत रहेगी।
یہ بات میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کا مکمل ترجمہ کوئی اور نہیں کر سکتا, وہی کر سکتا ہے جو جان قرآن ہے. قرآن مجید کا مکمل ترجمہ وہی کر سکتا ہے جو جسم و جان قرآن ہے, جو پیکر قرآن ہے, جو وجود حقیقی قرآن ہے, جو مصداق قرآن ہے. قرآن تو بمنزل اسم کے ہے, وہ مسمی قرآن ہے. وہ قرآن مجید کا ترجمہ کر سکتا ہے. اور یہ میرا پرانا جملہ ہے جو بعض زمانوں کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو خود 14 ترجمے مکمل کیے ہیں. 13 ترجمے سامنے آ گئے, 14 پردہ غیب میں. صلوات پڑھ دیجئے محمد. قرآن مجید کا جب مطالعہ کیجئے, قرآن مجید کی جب تلاوت کیجئے, تو یہ یاد رکھیے اصل عربی زبان میں تلاوت ضرور کیجئے, چاہے عربی آتی ہو یا نہ آتی. یہ عذر نہ پیش کیجئے کہ ہمیں تو عربی آتی نہیں, ہمیں سمجھ میں تو آتا نہیں, پڑھ کے کیا فائدہ ہوگا. کیا فائدہ ہوگا؟ الفاظ الہی کی گونج بھی تاثیر رکھتی ہے. یہ الفاظ الہی ہیں, یہ دہن مبارک مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. الفاظ خدا کے ہیں اور ہم تک پہنچے ہیں دہن مبارک پیغمبر سے. انفاس پیغمبر کی طہارت, انفاس مبارک پیغمبر کی تاثیر, نفس مبارک پیغمبر کی نور افشانی, سب اس میں جذب ہے. یہ قرآن مجید کے اصل الفاظ بے پناہ اثرات رکھتے ہیں, بے پناہ برکت رکھتے ہیں. اور اس میں یہ تاثیر بھی پوشیدہ ہے کہ اگر آپ عربی نہیں بھی جانتے ہیں لیکن ادب الہی کا لحاظ رکھیں, ادب قرآن کا لحاظ رکھیں, طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں, تو قرآن مجید خود اپنے آپ کو آپ کے لیے منکشف کرنے لگتا ہے. یہ اس کی صفت ہے. خود دل میں, دماغ میں, نگاہ میں, ذہن میں, ضمیر میں اس کی نور افشانیاں معنویت بکھیرتی ہیں, جذب کر لیتی ہیں انسان کو. اب عربی زبان میں, اصل عربی زبان میں قرآن مجید پڑھیں اور اس کے ساتھ جتنے موجودہ ترجمے ہیں سب سے مدد لیں. جن لوگوں کو شوق ہو, جن لوگوں کو شغف ہو, جو مکتب وحی کے طالب علم بننے کا شوق رکھتے ہوں, جو مکتب وحی کے طالب علم بننے کا ذوق رکھتے ہوں, جن میں ہمت ہو, جن میں حوصلہ ہو, جو ریسرچ کرنا چاہتے ہوں, قرآن کی روشنی میں آگے بڑھنا چاہتے ہوں, وہ باقی ترجموں کا سہارا لیں. ترجموں کے بعد پھر ان ہستیوں سے توسل کریں, جن ہستیوں سے توسل سکھانے ہی کے لیے قرآن نازل ہوا ہے. یہ جملہ ذہن و ضمیر میں نقش کر لیجئے گا. قرآن مجید نازل ہی ہوا ہے تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں سے جوڑنے کے لیے. قرآن مجید نازل ہوا ہے کہ تمام عالم خلقت کو, تمام عالم بشریت کو رہنمائی کر کے وہاں پہنچا دے جہاں پہنچانے کے نتیجے میں خدا تک پہنچ سکتا ہے انسان.
خلاصہ قرآن سورہ حمد ہے, متن سورہ حمد, لب لباب سورہ حمد کا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. انسان صراط المستقیم کی دعوت اور دعا لے کے آتا ہے, اور آگے کیا ہے اس کے؟ اس صراط کو ڈیفائن کس طرح کیا قرآن نے, اس صراط کو ڈیفائن کس طرح کیا, کس طرح بتایا صراط کیا ہے, صراط کون سی ہے, صراط کس کی ہے, راستہ کون سا ہے, راستہ کس کا ہے, راستہ کیسا ہے؟ صراط الذین, ان لوگوں کا راستہ, ان ہستیوں کا راستہ. معلوم ہے تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند بنایا جا رہا ہے. تمام عالم بشریت کو چند ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند بنایا جا رہا ہے. صراط الذین, یہ الذین کون ہیں؟ یہ الذین ہیں کون؟ قرآن مجید کے الفاظ ہی سے ہم پہلے پوچھیں کہ کون ہیں. اب اس کے بعد جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں اس سے دو ہی طرح کا مفہوم ذہن میں آ سکتا ہے. ایک یہ کہ دو گروہوں کا تصور ہو. ایک گروہ وہ ہے الذین انعمت علیہم, جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئیں, تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائیں. اور دوسرا گروہ ان کا کہ جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جو جن پر تیرا غضب نازل نہیں ہوا اور جو کبھی گمراہ نہیں ہوئے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ان دو کو الگ الگ گروہ سمجھا جائے. ایک گروہ وہ ہے جس پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئیں, ایک گروہ وہ ہے کہ جو گمراہ ہو گیا اور جس پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ ایک ترجمہ. اگر یہ ترجمہ بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی بات بن جاتی ہے. لیکن ایک مشکل اور ہے, جن پر اللہ کی نعمتیں ہوں ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ مورد نعمت ہوں. دیکھیے میں محسوس مثال دوں, اپنے معاشرے کی مثال دوں. کوئی صاحب ہیں, صاحب لطف ہیں, صاحب کرم ہیں, صاحب جود و سخا ہیں, اور کسی پہ چشم کرم رکھتے ہیں. جب کوئی آتا ہے تو اسے کچھ عطا کر دیتے ہیں, اور کچھ لوگوں سے ناراض ہیں. دو گروہ ہیں, کسی سے ناراض ہیں, کسی سے خوش ہیں. یا ماں باپ ہیں, اپنے ایک بیٹے سے ناراض ہیں, ایک بیٹے سے خوش ہیں. جس بیٹے سے ناراض ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں, جس بیٹے سے خوش ہیں اس کے اوپر توجہ ہے. لیکن جس کے اوپر توجہ ہے, صرف اگر یہ اعلان ہو جائے کہ میں ان سے خوش ہوں, اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ زندگی کے ہر لمحے میں خوشی ہیں. زندگی میں بعض لمحے ایسے بھی آ سکتے ہیں کہ یہ جن سے خوش ہیں ان سے بھی ناراض ہو جائیں. جن پہ نعمت نازل ہوئی ہے کبھی کبھی ان پر نعمت نہ بھی نازل ہو. لیکن اگر دونوں صفتیں ایک گروہ میں پیدا ہو جائیں, ایک ہی گروہ کے لیے کہا جائے کہ یہ وہ گروہ ہے جس پر اللہ کی نعمتیں ہیں, اور یہی وہ گروہ بھی ہے جو کبھی گمراہ نہیں ہوا اور کبھی اللہ کے غضب کا شکار نہیں ہوا, تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جسے اصطلاحاً معصوم کہا جا سکتا. توجہ ہے, یہ وہ گروہ ہوگا جسے اصطلاحاً معصوم کہا جائے گا. یہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا, یہ صرف معصوم ہو سکتا ہے جس پر ہمیشہ اللہ کی نعمتیں ہوں. یہ صرف معصوم ہو سکتا ہے جس پر کبھی اللہ کا غضب نازل نہ ہوا ہو, جو کبھی اللہ کے راستے سے منحرف نہ ہوا ہو. بہرحال دونوں ترجموں کی روشنی میں ہمیں بعض ہستیوں کے نقوش قدم کا پابند کیا جا رہا ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نقوش قدم, صراط,
सिरात रास्ता सिरात मुस्तकीम नकुश कदम ये बिला सबब नहीं है। जो हस्तियां उस मंजिलत पर होती हैं जो कभी भी जिंदगी में एक आन के लिए एक लम्हे के लिए भी सिरात हक से जुदा न होती हो, जिन पर हमेशा लुत्फो रहमतो राफतो नेमत इलाहिया रहे, जो कभी राह खुदा से मुनहरिफ ना हो, जो कभी गुमराह ना हो, जिन पर कभी गजब इलाही ना हो, उन्हीं के लिए कोई मासूम पैगंबर कह सकता है परवरदिगार हक को इनका पाबंद कर दे। किसी और के लिए नहीं कह सकता पैगंबर। हुजूर की हदीसों में एक हदीस है बहुत मशहूर सबको याद होगी। ये हदीसें ये कभी फरसूदा नहीं होती, ये मजामीन कभी फरसूदा नहीं होते, है ना? कि पैगंबर ने फरमाया हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाया कि अली मा अल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ हैं, हक अली के साथ हैं। और उसके बाद फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक हैथु मा दार अली, परवरदिगार हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। ये नहीं फरमाया परवरदिगार अली को उधर मोड़ दे जिधर हक मुड़ जाए, फरमा रहे हक को उधर मोड़ दे जिधर अली मुड़ जाए। ये कमाल इस्मत अलवी है और ये एक फ़र्द है उन अफराद में से कि जो मुरीद तवज्जो हैं सूरह मुबारक हम्द में, इनके ज़रिए से सिरात पहचानी जाएगी, सिरात के ज़रिए से ये नहीं पहचाने जाएंगे। सिरात के हवाले से ये नहीं पहचाने जाएंगे। सिरात का कोई वजूद ही नहीं है, कहाँ है सिरात, कहाँ है सिरात? मरने के बाद सिरात है तो फिर इस जिंदगी में क्या करें, बेराह रहें? किसी एब्स्ट्रैक्ट सिरात का वजूद है? कोई मुश्तहिद, कोई फकीह, कोई फलसफी, कोई हकीम मुझे दिखा दे, बताइए सिरात है? इतनी सड़कें हैं, इतनी राहें हैं दुनिया में, वो जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई थी कहाँ से कहाँ तक इतना लंबा रास्ता है, वो दीवारें चीन, वो इतनी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं। आप हेलीकॉप्टर लेकर बल्कि हवाई जहाज़ लेकर बल्कि रॉकेट लेकर पूरी दुनिया में तलाश कीजिए और उसमें मौलाना हजरात को बिठा लीजिए, बड़े बड़े मौलाना हजरात को, और कहिए कि साइंसदानों से कि चलें और आप इनकी रोशनी इनकी मदद से डिस्कवर करें, दरियाफ्त करें कि वो रास्ता कौन है जो बंदे को खुदा तक पहुंचाता है। कौन सा रास्ता है, किन किन शहरों से गुजरा है, किन किन मुल्कों से गुजरा है, किन जोग्राफियाई सरहदों से गुजरा है, रेगिस्तानों से गुजरा है या सब्ज़ारों से गुजरा है, बहर जुल्मात से गुजरा है, कहाँ कहाँ से गुजरा है, खला से गुजरा, फजा से गुजरा, आसमानों से गुजरा, सितारों से गुजरा, कहाँ कहाँ से गुजरा? नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं है। रास्ते की अहमियत नहीं है, अल्लज़ीना की अहमियत है। साहिब कदम ऐसा हो कि सूरज और चांद भी सितारे भी उसकी गर्दे राह बनते चले जाएं।
गर्द राह सूरज गर्द राह मुस्तफा है, चांद गर्द राह मुस्तफा है, इनके नकुश कदम से इबारत है सिरात, जहां जहां इनका नक्श कदम वहां सिरात, जहां इनका नक्श कदम नहीं है वहां सिरात मुस्तकीम नहीं है। ये तो दरमियान में बात आ गई तो मैंने अर्ज कर दी, बात शुरू तो यहां से हुई थी कि बिस्मिल्लाह का मुतअल्लिक अस्तईनो या नस्तईनो है इस सूरे में, और हर सूरे में इसी तरह उस सूरे मुबारका के मज़मून व मुहतवा के एतबार से बिस्मिल्लाह का मुतअल्लिक तलाश किया जाएगा। तो सूरे मुबारका कौसर में क्या होगा? देखिए, किसी एक सूरे को समझने के लिए पहले उससे मिसाल कायम की जाती, ये नहीं कि मैंने सूरा तो पढ़ दिया लेकिन मौज़ू बदल दिया। बिस्मिल्लाह वहाँ भी है, बिस्मिल्लाह यहाँ भी है। यहाँ बिस्मिल्लाह के मायने क्या है? अस्तईनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नस्तईनो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आम तौर पे जब किसी काम को शुरू करने के लिए बिस्मिल्लाह कही जाती है तो वहाँ पर बहस है उलमाए तफसीर के दरमियान के वहाँ पे क्या मुराद लें, अब्तदयो या अस्तईनो। वहाँ पर सूरह मुबारक हम्द की रोशनी में और अहादीस पैगंबर और अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की रोशनी में मुतअय्यन है अस्तईनो, यानी मैं मदद हासिल करता हूँ परवरदिगार की किसी भी काम में, तकरीर करने में, तहरीर करने में, बिजनेस करने में, कोई भी ज़िंदगी का छोटा बड़ा काम करें बिस्मिल्लाह कहना ना भूलें, बिस्मिल्लाह कहना ना भूलें। हदीस मुबारक पैगंबर है, हुजूर ने फरमाया कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहुव अबतर, कोई भी अहम काम अगर वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होगा तो वो अबतर रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अबतर। फहुव अबतर कुल्लु अम्रिन ज़ीबालिन لم يبدا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر। ये कलिमा पैगंबर का है, कोई भी काम अहम अगर वो بسم الله के ज़रिए से शुरू नहीं होगा तो अबतर रह जाएगा, यानी ना तमाम और बेबरकत, ना तमाम और बेबरकत। कोई भी काम करें بسم الله ज़रूर कहें, और जब आप इसके पाबंद हो जाएंगे तो मुझे यकीन है कोई हराम काम कर ही नहीं सकेंगे। ऐसा भी बेगैरत कोई कलिमा गो होगा कि अल्लाह का नाम लेकर हराम काम करे? ऐसा भी कोई बेगैरत बेहया हो सकता है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की मुबारक आयत तिलावत करे और कोई नजिस काम करे, कोई हराम काम करे, कोई बातिल काम करे, कोई नाफरमानी करे? नहीं, मुमकिन नहीं है। बिस्मिल्लाह का आदि बनाइए अपने आप को, अपने लबों पे विर्द बिस्मिल्लाह रखिए, अपनी जबान को मानूस रखिए जिक्र बिस्मिल्लाह से, और जब भी बिस्मिल्लाह कहिए बिस्मिल्लाह कहने में न शर्माइए, बिस्मिल्लाह कहिए तो बुलंद आवाज से कहिए, आखिर आयत रहमत है, इसे छोड़ने से कोई फायदा ना होगा, इसे आहिस्ता कहने से कोई फायदा ना होगा, शैतान तो खुश होगा रहमान खुश नहीं हो सकता। खुदा का नाम न लिया जाए कौन खुश होगा? खुदा का नाम तो लिया जाए मगर चुपके से लिया जाए, आहिस्ता से लिया जाए, किसके खौफ से? हिकमत क्या है? नाम खुदा आयत रहमत, आहिस्ता अदा करने की हिकमत क्या है? रहमान की इबादत कर रहे हैं और शैतान का खौफ तारी है।
सलावात पढ़ दीजिए मुझे। हरचंद के तबीयत साथ नहीं दे रही है, जैसी है आपके सामने है, मगर बहरहाल तबरुकन कुछ अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह बबरकत बिस्मिल्लाह तबीयत बेहतर हो जाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आयत रहमत है, बिस्मिल्लाह इसमें आज़म इलाही है, इसमें आज़म पोशीदा है, इसमें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी बरकतों को अपनी ज़िंदगी में जज्ब कर लीजिए, जज्ब कर लीजिए। ज़िंदगी का कोई काम नहीं है ऐसा कि जिससे पहले बिस्मिल्लाह की ताकीद नहीं की गई है, हत्ता कि आरज़ू फ़र्ज़ंद से पहले भी बिस्मिल्लाह कहिए। दो मुबारक इंसानी वजूद जब मिलते हैं उस वक्त खुदा को न भूलिए, जब दो मुबारक वजूद मिलते हैं, जब एक मर्द एक औरत के साथ मुलाकात करता है उस वक्त लुत्फ़ इलाही के साथ, रहमत इलाही के साथ, इसमें इलाही को फरामोश न कीजिए। परवरदिगार तूने मुझे सही व सालिम बनाया, परवरदिगार तूने इसे सही व सालिम बनाया, परवरदिगार तूने इसे मेरा शरीक ज़िंदगी बनाया, परवरदिगार अब एक ऐसा वजूद आता फरमा कि जो तेरे नाम को आगे बढ़ाने वाला हो। कोई लज्जत ज़िंदगी इस्लाम ने हराम नहीं करार दी है, कोई लज्जत ज़िंदगी, ये मेरा जुमला याद रखिएगा, लेकिन तोड़ मरोड़ के पेश ना कीजिएगा। मैंने इसी लाहौर में कहा था, कोई लज्जत ज़िंदगी इस्लाम ने हराम करार नहीं दी है, सिर्फ ये है कि हर लज्जत के हासिल करने का सलीका है, हर लज्जत के हासिल करने का एक तरीका है, हर लज्जत के हासिल करने के कुछ उसूल हैं, हर लज्जत को हासिल करने के लिए ज़मान व मकान के कुछ शरायत हैं। अब वो जुमला कह दो मिंबर से जो मैंने ज़ेरे मिंबर बेतकल्लुफ अंदाज से कहा था, अजीजो मैं विला और बादए तौहीद के मतवालो, शराब पीना भी हराम नहीं है बशर्ते के जन्नत में पी जाए। शर्ते के जन्नत में पी जाए, यहां पियोगे हराम है, सजा है, हद शर्ई है, यहां हद शर्ई है, लेकिन मुंतजर रहो मिलेगी, तरह तरह की मिलेगी, किस्म किस्म की शराब मिलेगी। कभी हमारी ज़बान से सूरह दहर की तफसीर सुनना तो अंदाज़ा होगा कैसी कैसी शराबें हैं, कहीं काफूरी शराब है, कहीं जंजबीली शराब है, कहीं तहूरा शराब है, और किन किन हाथों से मिलेगी। कहीं दावत आम होगी और कहा जाएगा कि ये बज़्मे में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, खुद से बढ़कर कहीं लेने की इजाज़त होगी और कहीं अदब आदाब के साथ पेश करने वाले फरिश्ते होंगे मलाइका होंगे, और कहीं वो कैफियत होगी कि खुद पीर है मैं खाना, वो जाम पे जाम अता करके सरशार फरमाएगा। ये सब कुरान मजीद में मौजूद है, साफ और सरीह अल्फाज में मौजूद है, इसीलिए कहते हैं कि हर चीज़ के लिए ज़मान व मकान व शरायत मुकर्रर व मुअय्यन है, हुदूद व क़ुयूद मुकर्रर व मुअय्यन है, हर चीज़ के लिए ज़र्फ़ ज़मान व ज़र्फ़ मकान मुकर्रर है, हर चीज़ के लिए मौका है महल है मुनासिबत है,
आप मजलिसों में आते हैं, मजलिस के बाद तबर्रुक मिलता है, मजलिस से पहले तो नहीं मिलता ना। आप इम्तिहान देते हैं, इम्तिहान के बाद सर्टिफिकेट मिलता है, इम्तिहान से पहले तो नहीं मिलता। हर हर चीज़ की मुनासिबत है, कोई लज्जत ज़िंदगी हराम नहीं है, लेकिन उसके लिए तरीक़े हैं। हर चीज़ हासिल होगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेबरकत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिस्मिल्लाह बेपनाह बेपनाह लुत्फ़ इलाही की कलीद है बिस्मिल्लाह। इस बिस्मिल्लाह की मदद से तय्युल अर्ज़ की कैफ़ियत हासिल होती है, इस बिस्मिल्लाह की मदद से तय्युल ज़मान की कैफ़ियत हासिल होती है, इस बिस्मिल्लाह की मदद से तय्युल लिसान की कैफ़ियत हासिल होती है, इस बिस्मिल्लाह की मदद से तनाब ज़मान व मकान की सिमट जाती हैं, खिंच जाती हैं, और इंसान बुलंदियों तक पहुँचता है, क़ुर्ब इलाही के मंजिलों तक पहुँचता है। इस बिस्मिल्लाह की मदद से इंसान आब रवा पे इस तरह चलता है कि जैसे सिरात मुस्तकीम पे चल रहा है। ये बिस्मिल्लाह है, ये बिस्मिल्लाह है। अगर ये बिस्मिल्लाह इतनी अहम ना होती तो इसी कालिब को परवरदिगार बरकरार न रखता 114 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये एक सबक लेके जाएं, ख़वातीन भी मजलिस सुनती हैं, बहुत शौक़ से सुनती हैं, दूर दूर से आती हैं इस मौसम में, इस शदीद मौसम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने बच्चों को सिखाएं। सबसे पहले जब बच्चों की ज़बान खुलने लगे तो ये याद रखिए कि बिस्मिल्लाह उन्हें सबसे पहले तालीम करें। ऐसा ना हो कि टेलीविज़न के सामने बच्चे बैठ कर कार्टून की ज़्यारत कर कर के ऐसे वैसे अल्फाज और नाम सीख लें। सबसे पहले ज़बान खुले तो बिस्मिल्लाह की कलीद से खुले। तवज्जो है, अगर ये एहतमाम कर लिया आपने घर में, फिर सोचिए कि वो बच्चा कैसा होगा। बिस्मिल्लाह एक ही, आज क्या पढ़ा एक घंटा मौलाना ने, कुछ नहीं पढ़ा, बस ये कहा बिस्मिल्लाह के पाबंद हो जाओ, ठीक है, बिस्मिल्लाह के पाबंद हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवरदिगार आलम ने सूरह मुबारक हम्द को शुरू किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और उसके बाद सूरह मुबारक कौसर में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कलीद क्या है, इसका मुतअल्लिक कहाँ तलाश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतैनाका, ये अतैनाका फ़ेल बता रहा है कि अतैनाका बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए परवरदिगार, ए मेरे हबीब, हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत से तुम्हें सब कुछ अता कर दिया। वहां इस्तेआनत है, यहां अता। वहाँ आप ये नहीं कह सकते, अब यहाँ पे बहस होगी, ये तलबगी बहस है, जो उलमा हों, जो नहवी हों, जो उलूम अदब पे दस्तखत रखते हों, वो क्लासरूम में बैठ के बहसें करेंगे कि आपने कैसे फरमा दिया, कहाँ से फरमा दिया, क्या दलील है, वो क्लासरूम की बहस है। मगर आपके लिए सादा सी बात है, पूरा सूरह मुबारक हम्द अंदाज़े दुआ है ना। बंदे को अल्लाह सुबहानहू व तआला ने दुआ तालीम फरमाई है कि मुझसे अगर कुछ तलब करो तो इस तरह तलब करो। और यकीन रखिए कि इस सूरह मुबारका में जो कुछ ज़रूरत ज़िंदगी मुमकिन है सब कुछ मौजूद है। अगर इंसान अपनी ज़बान से अपने टूटे फूटे अल्फाज में कुछ भी ना मांगे, जब भी कोई ज़रूरत पेश आए, जब भी कोई छोटी बड़ी ज़रूरत पेश आए, तो हाथ उठाकर पहले दुरूद पढ़े और उसके बाद सूरह हम्द पढ़ ले और फिर दुरूद पढ़ ले, हो गई दुआ, हो गई दुआ। जिंदगी का कोई मसला हो, इसे नोट कर लें जमीर पर, जहन पर, कल्ब पर लिख लें, जिंदगी का कोई मसला हो पहले दुरूद पढ़ें, बाद में दुरूद पढ़ें और दरमियान में हाथ उठाकर सूरह अलहम पढ़ लें।
हो गई दुआ, उसी के अल्फाज में उसकी बारगाह में दरख्वास्त पेश हो गई, ये दरख्वास्त रद्द नहीं हो सकती। दुआ में क्या क्या होता है, हम लोग जब मांगते हैं दुआ तो क्या क्या करते हैं, अल्लाह की हम्द करते हैं, तौबा करते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, और उसके बाद अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करते हैं कि तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, और उसके बाद ऐसे वसीले पकड़ते हैं जिनके वास्ते से दुआ कबूल हो जाए। या अल्लाह रसूलल्लाह का वास्ता, या अल्लाह मौला अली का वास्ता, या अल्लाह इमाम हसन का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता, या अल्लाह बीबी ज़हरा का वास्ता, चारदा मासूमीन का वास्ता, ये शहदा का वास्ता, ये सब दुरुस्त है, तरीक़ा दुरुस्त है, तफसील से कहो तो ये सब कहते चले जाओ। वास्ता दे के दुआ करना शिर्क नहीं है, बिदात नहीं है, तफसील से कहना हो तो ये सब कहना पड़ेगा, और इजमालन कहना हो तो सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, सारे वास्ते आ गए। ये अनअमता अलैहिम किसका वास्ता है, अम्बिया इलाही का वास्ता, औसिया का वास्ता, अइम्मा का वास्ता, अल्लाह के मासूम बंदों का वास्ता, और इन तमाम में आदम से लेके खातम तक सब हैं, मगर मिसदाक अकमल व आतम कौन है, वो जो इस्मत कुबरा के दर्जे पे फायज है, वो जिनके दामन इस्मत तक गुबार तर के औला भी नहीं पहुंचा है, वो मोहम्मद और आल मोहम्मद अलैहिम सलातो वसलाम। एक बलंतर सलावत, तो सूरह मुबारक हम दुआ है और तालीम हक है, हक सुबहानहु व तआला ने तालीम फरमाई है दुआ, इस तरह हमसे दुआ करो, इसलिए बिस्मिल्लाह में भी जो मुतअल्लिक़ है वो अस्तईनो है, यानी मैं मदद चाहता हूँ अल्लाह के, अल्लाह रहमान रहीम के नाम से, है ना, मदद चाहता हूँ। सूरह मुबारक कौसर दुआ नहीं है, सूरह मुबारक कौसर परवरदिगार की तरफ से मुजदे अता है, सूरह मुबारक हम्द पूरी सर बसर सर ता सर अज अव्वल ता आखिर दुआ है, तलब है, तलब है, सूरह हम्द तलब है, सूरह कौसर अता है। जब यहां तर्जमा होगा तो होगा परवरदिगार मैं मदद चाहता हूं, तेरे मुबारक नाम से रहमान और रहीम अल्लाह के नाम से मदद चाहता हूं, वहां चूंकि आता है तो तर्जमा होगा अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से अता करता हूं। ये ताल्लुक है बिस्मिल्लाह का सूरह से। उसके बाद दूसरा, अब जब मैं अपने उसलूब में अर्ज करता हूँ तो जो अदबी ज़ौक़ ख़ुसूसियत से रखते हैं उनके लिए कहता हूँ, ये जुमला भी याद होगा आप हज़रात को, बहुत बार कहा है, बल्कि इस पे बहस भी हुई है, अपनों में से बाद हज़रात उठ गए, उन्होंने कहा कि साहब ये कैसे बावर किया जा सकता है, लेकिन हकीकत हकीकत है। मैंने अर्ज़ किया था कि पूरा क़ुरान मजीद अज अव्वल ता आखिर कसीदा मुहम्मद व आले मुहम्मद, और इस वक्त कहूँ कि ये दीवान वहये इलाही मजमूए कसायद है, जिसमें ये कसीदा, अलबत्ता इस सब को समझने के लिए ज़ौक़ सुखन चाहिए, अगर किसी की समझ में ना आए तो मैं दस्ते अदब जोड़ के बस यही कहूँगा कि सुखन शनास नई दिल बरा खता इंजास, और कुछ नहीं कह सकता। सूरह मुबारक है कौसर को मैं कहता हूँ कि ये नातिया कसीदा है,
ये वो भरपूर नात है जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह के लिए लिखी है। हम आप नातें लिखते हैं, हम आप नात लिखते हैं, अल्लाह ने भी नात लिखी है। और ये बात मैं पहले कह चुका हूँ लेकिन फिर इस कॉन्टेक्स्ट में याद दिला दूँ, जो लोग नात लिखना, नात पढ़ना, सीरत रसूल बयान करना, सीरत रसूल पे वज्द करना, सलाम करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, शिर्क समझते हैं और बिदअत समझते हैं, वो ज़रूर गोशे जानो दिल खोल कर सुने। हबीब किबरिया की सना गुस्तरी, हबीब किबरिया की नात गोई और नात खानी, हबीब किबरिया की मद्दाही का हुक्म कुरान मजीद में इस अंदाज से आया है कि दूसरे किसी हुक्म को उसके बराबर में ला के रखा नहीं जा सकता। मैं अभी मिसाल दे देता हूँ, अभी बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने सबसे बड़ा कौन सा हुक्म दिया है कुरान में, कुछ तो कहिए। नमाज, नमाज यही तो कहा है, नमाज पढ़ो। और इसके अलावा कुछ कहा है? यही तो फरमाया है, नमाज पढ़ो, अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, आतुज़्ज़कात ज़कात दो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम तुम्हारे ऊपर रोज़ा वाजिब करार दिया गया, हज करो जब इस्तेताअत हासिल हो जाए, जितने वाजिबात हैं सब में है तुम करो, तुम करो, तुम करो। एक ऐसा अमल है जिसके लिए बड़े एहतमाम से कहा, मैं ये काम करता हूं मेरे मलाइका करते हैं, तुम भी करो। कोई दूसरा हुक्म इस अंदाज से दिखा दीजिए कुरान में, कोई दूसरा हुक्म जो इस अंदाज से हर जगह है, भाई ये काम करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो, इबादात से लेकर मुआमलात तक, इलाहियात से लेकर उसूल दीन से लेकर फुरू दीन तक, और फुरू दीन से लेकर अखलाकियात तक, जितने भी शोबहाए ज़िंदगी हैं, हर शोबे ज़िंदगी से मुतालिक अहकाम इलाहिया हैं, और उन सब पर बेशक हमें अमल करना है, मगर जितने अहकाम हैं वो इसी अंदाज से हैं, ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। यहां करो कहने से पहले उस काम की अहमियत जाहिर करने के लिए कहा जा रहा है, बेशक इन्नल्लाह, बेशक वो माबूद बरहक, वो अल्लाह और उसके मलाइका, व मलाइका तो युसल्लूना, मद्दाही करते हैं इस नबी की। ये मेरा तर्जमा है, मद्दाही करते हैं, ये मेरा तर्जमा है और मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं। वो मत तर्जमा कीजिए कि रहमत नाजिल करते हैं, कायनात रहमत किबरिया खुद इनकी जात है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ये तो खुद रहमत आलम है, कायनात रहमत हक मुस्तफा की जात है। बेशक ये मखलूक हैं, बेशक ये अब्द हैं, वो माबूद है और खालिक है, उसके यहाँ से मुसलसल इफादा रहमत इनके लिए होता रहेगा, लेकिन एक ही अंदाज से जो कहा गया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, अल्लाह तो रहमत नाजिल करे मुहम्मद पर, समझ में आती है बात, फरिश्ते क्या इस मंजिलत पर हैं कि मुहम्मद पर रहमत नाजिल करें? फरिश्ते, अरे फरिश्तों और मलाइका की हैसियत क्या है?
वो और कोई मकतबे फिक्र होगा जो मलाइका को पैगंबर से अफजल समझता हो। मलाइका खिदमत गुजारे मुस्तफा हैं। मलाइका की आबरू इसी में है कि इनके दर की गुबार रोबी करते रहे। दरे मोहम्मद मुस्तफा की खाक चेहरे मलाइका का नूर है। इनके दर की खाक उनके चेहरे का नूर है। ये कोई मुबालिगा नहीं है, कोई मुबालिगा नहीं है। जवाब देने का हौसला रखता हूं, कोई एतराज करके तो देखे। मैं मुनाजरा किया नहीं करता, इसके ये मानी नहीं कि आता नहीं है। अल्लाह माबूद बरहक, वो ज़ात हक सुभाना हुआ ताला, वो और उसके मलाइका सब मद्दाही करते हैं। किसकी मद्दाही करते हैं? मद्दाही करने के मानी क्या है? तारीफ करना, हुस्न सना, नात बयान करना यानी सिफत बयान करना, खूबी बयान करना। देखो कुरान मजीद गवाह है कि उसने कहाँ कहाँ खूबी बयान की, ज़ाहरी खूबी भी बयान की, बातनी खूबी भी बयान की। मुसलमान नात कहते हैं तो क्या कहते हैं? हमारा रसूल बड़ा पाकीज़ा है, उसकी सीरत पाकीज़ा है, हमारे रसूल की जुल्फ़ें कैसी हैं, हमारे रसूल की कमली कैसी है, चादर कैसी है। ये सब कहाँ से सीखा? अगर ये मद्दाही खुदा ने न की होती, अगर उसने ताहा न कहा होता, यासीन न कहा होता, या अय्युहल मुज़म्मिल न कहा होता, या अय्युहल मुद्दस्सिर न कहा होता, वह शम्स न कहा होता, वह लैल न कहा होता, वह वहा न कहा होता, वह फजर न कहा होता, आपको कहाँ से इस्तेआरे मिलते ज़ुल्फ़ और रुख़े पैगंबर के लिए? सूरत पैगंबर, सीरत पैगंबर, जाहिर पैगंबर, बातिन पैगंबर, जलाल पैगंबर, जमाल पैगंबर, सब चीज की तारीफ खुदा ने कुरान मजीद में की है और करके दिखाया और ऐलान किया, देखो मैं ये काम कर रहा हूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ईमान लाने वालों, तुम भी करो जो काम मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। मैं इस नबी का कसीदा पढ़ता रहता हूं, तुम भी पढ़ो। मैं इसकी सीरत बयान करता रहता हूं, तुम भी बयान करो। मैं माबूद हूं, मेरा काम सिर्फ इसकी सिफत बयान करना है। तुम्हारा काम इससे आगे भी आए, तुम सिफत भी बयान करो और उसकी पैरवी भी करो। उसकी पैरवी भी करो। पैरवी के लिए हुक्म है वसल्लमु तस्लीमा, और इस तरह उसके अहकाम के आगे सर बसर तस्लीम हो जाओ, जो इताअत और बंदगी का हक अदा हो जाए। तवज्जो है, बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। मैं तो सिर्फ ये अर्ज कर रहा था कि सूरह मुबारक है कौसर क्या है? नातिया कसीदा है। तो मैंने कहा बता दूँ कि किसी के जहन में खलिश न रह जाए, दिल में खलिश न रह जाए कि क्या कह गए, नातिया कसीदा है, ये सुखन गुस्तराना बात है, ये ज़ाकरी है। देखिए यही खिताबत है, यही ज़ाकरी है। कहाँ सूरह मुबारक कौसर और कहाँ कह रहे हैं नात पैगंबर है। अच्छा मैं वापस ले लेता हूँ लफ्ज़, आप बता दीजिए क्या है। सूरह मुबारक कौसर मुकम्मल नात पैगंबर है। उस साहिब एजाज ने इतने मुख्तसर अल्फाज में इतनी मुकम्मल नात लिखी है कि जिसकी कोई हद नहीं। बस आज की पूरी तकरीर तमहीद में गुजर गई, एक घंटा गुजर गया, और अब बयान को कल और परसों के लिए छोड़ता हूँ। ये सूरह मुबारक कौसर, इसके अंदर भी बेपनाह मतालिब है। हमद पैगंबर नात पैगंबर है, और नात पैगंबर यूं ही बराह रास्त नात शुरू नहीं हो गई। कसीदे के जितने अज्ज़ा हैं वो सब इसमें पाए जाते हैं।
लाहौर में गुफ्तगु हो रही है। लाहौर उर्दू ज़बान का मरकज़ रहा है, लाहौर उर्दू ज़बान का एक मुस्तकिल दबिस्तान है, लाहौर का एक स्कूल है। इसलिए यहाँ ये बात आवाम व ख़वास सब जानते हैं कि क्लासिकी कसीदे की शान क्या होती है। मतला होता है, हुस्ने मतला होता है, तशबीब होती है, गुरेज होता है, उसके बाद जनाब वाला मदह होती है, मदह के बाद दुआ होती है, तलब होती है, मक्ता होता है। ये सब कसीदे के अंदाज़ होते हैं। जितने अज्जा कसीदे के हैं सब यहाँ मौजूद हैं, सब गुजारिश करूँगा, सब मौजूद हैं, अलबत्त मुनासिबत के साथ। लिखने वाला कौन है कसीदे का? खालिक मुताल की ज़ात गिरामी की मुनासिबत से और हज़रत ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी की मुनासिबत से तमाम अज्ज़ा हैं। अब इसकी तफसील कल अर्ज़ करूँगा, बस आज ही अर्ज़ कर रहा हूँ। सूरह मुबारक कौसर है जिसमें एक तरफ अता इलाही का बयान हुआ है और दूसरी तरफ अता के बाद आम कसीदों में क्या होता है। अब मिसाल दे दूँ कि आम कसीदों में ये होता है कि जो दरबारी कसीदे लिखे जाते हैं वो चाहे दरबारी हों चाहे मजहबी हों, दरबारी कसीदों में ये होता था कि शायर कसीदे लिखते थे इस उम्मीद पर कि बादशाह के दरबार से कुछ खलात इनाम हासिल करके अपनी ज़िंदगी, अपनी मादी ज़िंदगी और अपनी अदबी ज़िंदगी में वो फ़रोग पाएंगे। हम अहले बैत अतहार की मदह करते हैं, अम्बिया की नात करते हैं ताकि दुनिया और आखिरत संवर जाए। तलब वहाँ भी दिल में थी, तलब यहाँ भी दिल में है, बेतलब तो कोई कुछ नहीं करता। चुनांचे तलब होती है, बादशाहों से तलब होती है, परवरदिगार या किसी भी ममदूह से कुछ ना कुछ तलब होती है। परवरदिगार बेनियाज है, वो कोई तलब नहीं रखता, कोई नियाजमंदी नहीं रखता, कोई एहतियाज नहीं रखता, फिर भी उसने कुछ तलब किया है किसी मसलहत की बिना पर। अब ये कल बयान होगा, लेकिन इतना है कि तलब किया है। क्या तलब किया? का फसल ले ले रब्बे का वनहर, ए मेरे हबीब, ए मुस्तफ़ा, मैंने तुमको सब कुछ अता किया। अब ये सब कुछ जो तर्जमा कर रहा हूँ कल बहस करूँगा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद कहा कि अब तुम फसल ले रब्बे का, अब तुम अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़ो, वनहर और क़ुरबानी दो। ये जो तलब इलाही है इसे मोहम्मद व आले मोहम्मद ने किस शान से पूरा किया है, ये किसी से पोशीदा है? किस तरह पूरा किया है, किन किन हालतों में नमाज पढ़ी, किन किन कैफियतों में नमाज पढ़ी, अब बयान की कोई ज़रूरत बाकी नहीं। हर मुसलमान, हर मोमिन, हर आज़ादार बिलखसूस जो पहली मुहर्रम से ज़िक्र सुनता आ रहा है उसे मालूम है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद ने किन किन कैफियतों में नमाज पढ़ी है। आज़ादारों, नमाज से गफलत मत बरतना, नमाज नमाज नमाज, खुदा ने अपने हबीब से नमाज तलब की है क़ुरबानी के साथ, और किस तरीक़े से नमाज पढ़ी है रसूल ने, तारीख है, अब तेज़ी से गुजर जाऊँ, तारीख है, रसूल खुदा ने भी ज़ख्मी हालत में नमाज पढ़ी। बहुत पुराना जुमला है मेरा, लखनऊ में कभी अर्ज़ किया था 20 बरस पहले, शायद उससे भी ज़्यादा, कि आप किसी आर्टिस्ट का तसव्वुर करें, यहाँ एक बहुत मशहूर आर्टिस्ट थे सादिक़ैन मरहूम, उन्होंने गालिब और इकबाल के अशआर को मुसव्वरी के कालिब में ढाला है, तो जो मज़मून शेर है उसे वो कैनवस पे ढाल देते हैं, वो तस्वीर देख के मज़मून शेर समझ में आ जाता है। ये बज़ाहिर दो मुतज़ाद चीज़ें थीं, नमाज़ पढ़ना और क़ुरबानी देना, लेकिन रब अकबर ने एक ही आयत में, एक ही जुमले में तलब कर लिया था, फसल ले रब का वनहर, अब अपने रब के लिए नमाज़ें पढ़ो और क़ुरबानी दो, क्योंकि एक जुमले में था ना, तो पैगंबर और अहले बैत पैगंबर ने इसको एक ही सफ़े पे सजा दिया।
रसूल अकरम ने मैदान उहद में नमाज पढ़ी है। मैदान उहद में नमाज, कैसी नमाज? उहद की जंग मालूम है ना, मुसलमानों ने हुजूर पाक की जीती हुई जंग अपनी नाफरमानी से हारी थी। उस जंग में पैगंबर खुद ज़ख्मी हो गए थे, आपकी पेशानी ज़ख्मी थी, दंदाने मुबारक ज़ख्मी थे, चेहरा मुबारक लहू लुहान था, खून से तर था, महासिन यानी आपकी दाढ़ी खून से तर थी। और मैदान उहद में किसी ने निदा बुलंद कर दी थी कि कद कुतिल मुहम्मद, मुहम्मद कत्ल कर दिए गए। कहते हैं शैतान ने यह निदा बुलंद की थी ताकि मुसलमानों के कदम उखड़ जाएं। ये खबर मदीने तक पहुंच गई, मदीने में रसूल की बेटी मौजूद थी। अजरकुम अलल्लाह, अजरकुम अलल्लाह, रसूल की इकलौती बेटी बीबी फातिमा जहरा। बीबी फातिमा जहरा के गोश मुबारक तक आवाज़ पहुंची, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए। बीबी मैदान उहद तक पहुंच गईं और अमीर मोमिनान हज़रत अमीरुल मोमिनीन तशरीफ़ फरमा थे, साथ साथ थे, पहले से मौजूद थे मैदान उहद में। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ढाल में पानी का इंतज़ाम किया और बीबी तशरीफ़ लाई, उन्होंने चुल्लू में पानी लिया और बाबा के चेहरे से खून को साफ़ किया। उसके बाद उसी पानी से रसूल अकरम ने वज़ू फरमाया। वज़ू फरमा कर बैठ कर मैदान उहद में नमाज पढ़ी, फसल्ले ले रब्बे का वनहर की तस्वीर देखें कैसा मुरक्का सजाया, उधर हमज़ा जैसे शफीक चचा का लाशा है, हमज़ा का लाशा, पैगंबर की सबसे पहली सबसे बड़ी कुर्बानी, हमज़ा की शहादत, पैगंबर खुदा की सबसे पहली और सबसे बड़ी कुर्बानी। जनाब हमज़ा का लाशा किस अंदाज से शिकम मुबारक चाक है, जनाब हमज़ा के लाशे को मुसला किया गया है और भी अज़्ज़ा और भी अस्हाब बासफ़ा शहीद हैं, खुद पैगंबर ज़ख्मी हैं, खुद पैगंबर ज़ख्मी हैं। उस ज़ख्मी हालत में वज़ू करके इतना खून जिस्म मुबारक पैगंबर से बह गया है कि पैगंबर से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, इसलिए बैठ कर नमाज पढ़ रहे हैं। यह है मंज़र उहद का। ये मुमकिन नहीं है कि किसी की निगाह से ये मंज़र गुज़रे तो दूसरा मंज़र याद ना आए। ये मंज़र हर तारीख़ में मिल जाएगा, कबरी में मिल जाएगा, इब्ने असीर में मिल जाएगा, इब्ने खल्दून में मिल जाएगा, हर मोतबर तारीख में कम उबेश ये मंज़र मिल जाएगा मुख्तलिफ अल्फाज में कि मैदान उहद में रसूल ज़ख्मी हुए, मैदान उहद में रसूल ने नमाज़ पढ़ी, मैदान उहद में इस कदर कमज़ोर थे रसूल के बैठ कर नमाज पढ़ी। लेकिन साथ में ये दो तस्करा मिलेगा, बेटी ने चेहरे मुबारक से खून को धोया है, बेटी के चुल्लू में पानी नज़र आएगा और पैगम्बर बावजू नमाज पढ़ते हुए नज़र आएँगे। मैं दस्ते अदब जोड़ के अर्ज़ करूँगा, या रसूल अल्लाह, वो मैदान उहद था, ये मैदान करबला है, वहाँ बेटी थी जिसके चुल्लू में पानी था, यहाँ भी एक बेटी है जिसकी ज़बान पे आलाताश की निदा है। अजरकुम अलल्लाह, वहाँ वजू के लिए पानी मौजूद है, यहाँ आपका बेटा हुसैन है जिसने नमाज आखिर जो अदा की, पानी से वजू का महल नहीं था, किस चीज़ से वजू किया? अरे असगर के गले से टपका हुआ चंद खतरा लहू चेहरे पर मला और कहा मेरे बेटे इसी सूरत से खुदा की बारगाह में जाऊँ, इसी सूरत से तेरे नाना रसूलुल्लाह की बारगाह। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़ान बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिह। परवरदिगार हमें उलूम कुरान और मारिफ अहले बैत से आशना फरमा। परवरदिगार
तमाम आज़ादार मुआशरे को पाबंद शरीयत बना दे, हमारे जवानों को नमाज का पाबंद बना दे। परवरदगार मिल्लत इस्लामिया को तहज़ीब आले मोहम्मद के साँचे में ढाल दे। महबूद हमारे सीनों में चराग तौहीद हमेशा रोशन रहे। परवरदगार हमारे हाथों से दामन ख़त्म नबूवत कभी न छूटे। महबूद हमारे कदम हमेशा सिरात मुस्तकीम विलायत अली इब्न अबी तालिब पर गामजन रहें। मेरे मालिक मेरे महबूद तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है खून पाक हुसैन मज़लूम का। अपने वली आसर को इज़्ने ज़ुहूर अता फरमा और उनके हाथों से अपनी रहमत व राफत व अदालत का परचम लहरा दे।